तुझ नाम सुमर मत सोए रहो, उठ नाम सुमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। हास विलास में बीती उमरिया, हास विलास में बीती उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई न राह दिखाएगा। उठ नाम सुमर मत सोए रहो, पाप बोझ से भर ली गठरिया, पाप बोझ से भर ली गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया, वैसा भरेगा। हाँ, जैसा भरेगा वैसा भरेगा, कोई न साथ निभाएगा। उठ नाम सुमर मत सोए रहो, प्रभु नाम धन भर ले खजाना, प्रभु नाम धन भर ले खजाना, रहना नहीं ये देश बेगाना, चरणों में लिपटे रहना। हाँ, प्रभु
उठ नाम सुमर मत सोए रहो उठ नाम सुमर मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा जब चिड़ियों ने चुग के पिलिया जब चिड़ियों ने चुग के पिलिया फिर हाथ कछु ना Thank you.
महात्मा तथा भाइयों, आज कुछ व्यक्तियों के मन में ये शंका हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे संत मत में ये माना जाता है कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, कि भगवान की जो इच्छा होती है वो सबको स्वीकार करनी पड़ती है। मान लिया जाए आपके सांगला में अगर बर्फ गिर जाए तो ये बात तो हो सकती है कि आप किसी मकान में चले जाएं, अपने आप को बर्फ से बचा लें, अपने आप को बारिश से बचा लें, पर पूरे घाटी में बर्फ तो पड़ेगी, बारिश तो होगी। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि जो करता है भगवान अच्छा करता है। मुझे एक बात याद आई, एक समय अकबर बादशाह की एक उंगली कट गई, खून निकलने लगा। बादशाह ने उंगली पर मलम पट्टी की। इतनी देर में बीरबल ने कहा, भगवान जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया कि कहां तो इस व्यक्ति को मेरे से सहानुभूति रखनी चाहिए थी, कहां तो इसको ये कहना चाहिए था कि महाराज मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपकी उंगली कट गई है। और ये वो बात ना कहकर के ये क्या कह रहा है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो बादशाह अकबर को गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसको जेल में डाल दो। अब बीरबल जेल में चले गया, बादशाह ने मलम पट्टी की, अपने घोड़े पर बैठा और शिकार करने के लिए जंगल चले गया। चलते चलते बहुत दुर्गम स्थान में बहुत आगे चले गया और वहां क्या हुआ कि वहां के जो कुछ जंगली लोग थे उन्होंने पकड़ लिया और कहा, आज हम काली माता को बलि चढ़ाएंगे, नर बलि चढ़ाएंगे। आज हमें बड़ा एक तंदुरुस्त आदमी मिल गया है, हट्टा कट्टा आदमी मिल गया है, इसके लाल लाल गाल हैं, बड़ा मोटा तगड़ा आदमी है, चलो इसको आज बलि देंगे। पकड़ के ले गए, उसको नलाया धुलाया। नलाने धुलाने के बाद पंडित जी ने कहा, भाई ठीक है तुम इसकी बलि दोगे, बात समझ में आती है, पर देख लेना कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है, कहीं कटावा तो नहीं है। ये देखने लगे तो उनकी नजर गई उंगली के ऊपर, उंगली कटी हुई थी। उन्होंने कहा, जी ये तो कटी भी है उंगली। तो पंडित ने कहा, इसकी बलि नहीं दी जा सकती है, इसको छोड़ दो। बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह की बात समझ में आई कि देखो जो बीरबल ने कहा था कि जो भगवान करता है अच्छा करता है, चलो ये उंगली कटी तो इससे मेरी जान बच गई। बादशाह अपने महल लौटा। महल लौटने के बाद उसने बीरबल को बुलाया, कहा, बीरबल तुम्हारी बात तो सही निकली कि जो भगवान करता है अच्छा करता है, मेरी उंगली कटी तो जब मुझे जंगली लोग पकड़ करके बलि के लिए ले जा रहे थे
उस समय उन्होंने देखा कि मेरी उंगली कटी हुई है, मुझे छोड़ दिया। तो ये बात तो मेरी समझ में आई कि जो भगवान करता है अच्छा करता है, पर ये बात समझ में नहीं आई कि तुमको जेल क्यों हुई, इसमें भगवान ने क्या अच्छाई की। तो बीरबल ने कहा, जापना, आपकी बलि तो नहीं होती, पर मैं अगर आपके साथ होता तो मेरी गर्दन जरूर कट जाती, मेरी बलि जरूर होती। इसलिए भगवान ने जो मुझे जेल में भेज दिया, मेरा भी अच्छा किया। तो एक कहावत है कि वॉट एवर गॉड डज ही डज इट फॉर आर बेनिफिट, जो भगवान करता है अच्छाई के लिए करता है। जब इस समय यहां प्रोग्राम बदला गया, पहले तो 15 अगस्त को हमने आना था, तो कुछ लोग बड़े दुखी हो गए, अजी हम पहाड़ पर जाके कूद रहे हैं। अगर 15 अगस्त को प्रोग्राम होता और यहां 60-70 बसें आती तो आपका तो ये पहले ही इंतजाम छोटा पड़ गया, आगे क्या हाल होता, कितने लोग आते यहां, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सबने अपना मन बनाया था कि हम बसें लेके जाएंगे, तो आपका इंतजाम अभी छोटा पड़ गया, तब तो स्थिति और विकट हो जाती। तो हम यही कहेंगे जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। पर सवाल यह है कि हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसके लिए, भगवान की भक्ति के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान के हुए विराग बिन सुख ही लड़े, हर भक्ति बिन गावी वेद पुराण। आज का जो आपका सद्भावना सम्मेलन है, तो दूर बैठ के कोई कह सकता है साहब ये प्रचार करने आए हैं, कुछ कर रहे हैं। जब वो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएगा तब उसको पता चलेगा कि ये सद्भावना सम्मेलन में क्या कहने आए हैं और क्या यहां विशेषता है। तभी कहा, सुन समझ ही जन मुदित मन। पहले सुनना, श्रवण करना, सुन सुनने के बाद समझना। सुनने का मतलब यह नहीं होता एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। एक राजा के राज्य में एक कलाकार दो मूर्ति बना के ले गया, दोनों एक जैसी थी। उसने कहा, महाराज इसमें फर्क बताओ। राजा ने कहा, देखा, परीक्षण किया, कहा भाई ये तो एक जैसी है, आइडेंटिकल है, एक जैसी मूर्तियां हैं। मंत्री से कहा, मंत्री ने कहा, महाराज कुछ सूत मंगवाइए। सूत मंगवाया गया तो राजा ने एक मूर्ति के कान में सूत डाला तो एक कान से दूसरे कान में निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में सूत डाला तो सारा सूत जो था, ढाका जो था, वो मूर्ति के पेट में चले गया। मंत्री ने कहा, महाराज इन मूर्तियों में ये फर्क है, एक मूर्ति उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उन लोगों को बताती है जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, जीवन में कोई असर नहीं पड़ता। और दूसरी मूर्ति उन लोगों को बताती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है जो एक कान से सुनते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। सुन समझ ही जन मुदित मन। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, कहा महाराज मेरे टांग में दर्द है। डॉक्टर ने कहा, ये गोलियां ले लो, गोलियां गोलियां, ये गोली खाना और ये तेल है इसकी मालिश करना। वो लौटा दो दिन चार दिन के बाद डॉक्टर के पास कि महाराज आपकी दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, दवाई खाई थी? कि हां जी मैंने तो गोलियों की तो मालिश की और तेल को पिया। अरे उसने कहा, मूर्ख मैंने ये नहीं कहा था ये करना, मैंने कहा गोली खाना और तेल की मालिश करना। मैंने तेल को पिया और गोली की मालिश की। तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो उसका कुछ असर नहीं होना। कितने बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब उसके बताए हुए औषधि का हम सही रूप से पालन करेंगे। तो कहा, सुन
सुनना, फिर समझे ही समझना, टू अंडरस्टैंड इट समझना, सुन समझे ही जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग। आपको पता है पहाड़ों में प्रेशर कुकर आया, पहले पहले प्रेशर कुकर दाल बनाने के लिए, तो लोगों ने सोचा जी इसमें दाल पकाओ और उसको खोल दो। तो जैसे उसको खोलते थे उसका ढक्कन छत के ऊपर, सारी दाल जो है दीवारों के ऊपर, तो उसका क्या नियम है कि भाई उसको बंद कर दिया तो पहले उसका वो जो वाल्व होता है वो हटाओ ताकि उसकी सारी भाप निकल जाए, वो ठंडा हो जाए, तब उसका ढक्कन खोलो। उसका एक विधि है, उस विधि का पालन नहीं करोगे तो दाल सारे छत पर लग जाएगी, सारी दीवारों पर लग जाएगी, कुछ नहीं खाने को मिलेगा। तो कहा सुन समझे ही समझना, सुन समझे ही जन मुदित मन, और प्रसन्न मन से विद अ हैप्पी हार्ट, प्रसन्न मन से समझना कि भाई ये भक्ति हमें बताई गई है। सुन समझे ही जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, और अनुराग से विद टोटल डेडिकेशन, नियम मत उसका सेवन करना, उसका पालन करना, उसको अपने जीवन में उतारना। तब कहा ले ही चार फल अक्षत तनु, तब हमारे ऋषियों ने कह दिया, मुनियों ने कह दिया, अरे मरने के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा जीते जी, जब तक आप जिंदे हैं जीते जी आपको चार फल प्राप्त होंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, चार क्रियाओं की आपकी प्राप्ति होगी जब संतों के पास आप जाएंगे और प्रसन्न मन से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये बताया है हमारे शास्त्रों को, मरने की बात नहीं कहा गया। ले चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग, ये साधुओं का जो प्रयाग है, देखिए कहां कहां से लोग आए हैं, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई पंजाब से आया है, सब लोग यहां आए और यहां आकर के आपकी संस्कृति को देख रहे हैं कि कैसे यहां लोग रहते थे। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था किन्नर, तो किन्नर का माने जो देवभूमि में पहाड़ों में निवास करते हैं वो किन्नर है, तो उसका संस्कृत का मतलब यह कह किम नर, कैसे नर है, कैसे रहने वाले लोग हैं। तो कहने का मकसद यह है आज आपकी संस्कृति को देखे, देखिए सेब लगे हैं, कितनी सुंदर बात कही गई, वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न सांचे नीर, इतने सेब लगे हैं कि सेबों की डाली छुप जाती है, पर सेब अपना सेब नहीं खाता, वो वृक्ष अपने सेबों को नहीं खाता है, ये सब लगे हैं सेब दूसरों के लिए, वृक्ष का वो नहीं फल बके, नदी न सांचे नीर, और ये जो नदी है ये अपना पानी नहीं पीती है, ये तो प्यासे के लिए है, कोई पाता जाएगा अंजलि भरेगा, लोटा लेगा बाल्टी लेगा तो पानी भर ले पास बुझा ले। तो वृक्ष का वो नहीं फल बके, नदी न सांचे नीर, और परमारस के कारण साधुन धरा शरीर, परमारस के लिए साधुओं का शरीर होता है, लोक कल्याण के लिए, लोक जागृति के लिए, सद्भावना फैलाने के लिए। ये कितनी बड़ी चीज है कि आज हम हर एक जाति का आदमी, अलग जो है वर्ग का आदमी, हर एक कोटि का आदमी आकर के आपके सांगला के अंदर सत्संग में स्नान कर रहा है, गुरु महाराज के दरबार में बैठ करके आनंद से सत्संग का रूपान कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, सत्संग का यज्ञ कहते हैं, और जो यज्ञ में जो इसमें दान देता है, इसमें सहयोग देता है, वो भी बड़े पुण्य का भागी होता है। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि आज ऐसा सुंदर हमें अवकाश प्राप्त हुआ, और सद्भावना का मतलब अच्छी भावना, समाज के अंदर एकता के लिए, राष्ट्र को हम कैसे मजबूत करेंगे, अगर हम घर में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे तो हम राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र को तभी मजबूत कर सकते हैं जब आपस में मिल करके, आपको पता है पहाड़ों के अंदर जब मकान किसी का बनता है तो सारे गांव मिल करके उसका मकान बनाते हैं और वो सबको खाना खिलाता है। तो ये सद्भावना का परिचय है, एकता का परिचय है। अगर एक दूसरे के काम हम नहीं आएंगे तो इन कंदराओं में, ऐसे जटिल स्थान में, दुर्गम स्थान में हम कैसे जीवित रहेंगे।
तो ऐसे ही राष्ट्र के अंदर राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे अंदर आपसी प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, और उस सद्भावना भाईचारे के लिए हमारे संतों ने कहा कि उस नाम का जाप करो, नाम जप, नाम जप, कलु आयु कलु आयु, कलिकाल आ रहा है, कलिकाल का प्रभाव कहता है कलिकाल आ रहा है, नाम जप, प्रभु के नाम का सुमरण करो। हमने देखा कि सांगला में दरवाजों पर ताले लग गए, हमारे बद्रीनाथ की तरफ और उससे ऊपर जाओ तो दरवाजों पर ताले नहीं लगाते थे पुराने जमाने में लोग, अब ताले लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि आदमी की नीयत खराब हो गई, कलिकाल आ रहा है। कलिकाल का प्रभाव क्या है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। एक आदमी अपने पड़ोसी से बड़ा ईर्ष्या करता था, उसने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर ने उसको आशीर्वाद दे दिया, कहा देख भाई तू अपने पड़ोसी से बड़ा जलता है, तो जो तू कुछ मांगेगा तेरे पड़ोसी को मैं दुगना दूंगा, इसमें ईर्ष्या मत करना, बाकी जो तू चाहे मांग ले यथार्थ। उसने कहा महाराज देना ही है तो ऐसा करो कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। भगवान ने कहा अच्छा भाई तुझे एक कुआं मिलेगा तो तेरे पड़ोसी को दो कुआं मिलेंगे, उसको दो कुआं मिल गए। अब उसने कहा भगवान एक आंख मेरी फोड़ दो, तो उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसी की दोनों फूट गई, ना दाएं बच सका ना बाएं बच सका, एक कुएं में जाके मर गया। उसने कहा उसका भी कल्याण हो गया। तो ये हमारी भावना बन गई, ईर्ष्या द्वेष से हमारी ये भावना बन गई, और ऐसी भावना से अगर देश के अंदर ऐसा रहने वाला होगा तो क्या देश को मजबूत कर पाएगा? गायंत देवा के लिए गीत कहानी धन्य से भारत भूमि भागे, जिस भारत का नाम, आपको बताया इसका नाम भारत क्यों पड़ा? दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत शेर के साथ खेलता था। आप जब हरिद्वार में गए होंगे, हरिद्वार से गंगा पार एक कणव आश्रम है, महर्षि कणव का आश्रम था, वहां भरत जो है शेर के बच्चे के दांतों को गिना करता था, इतना वीर था, और इसलिए इस देश का नाम उसके नाम से, भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। तो ये देश वीरों को पुरस्कृत करता है, वीरों का सम्मान करता है। इसीलिए आपने देखा होगा लड़ाई के अंदर भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते कि अर्जुन अब तुमको इस बाण को मारना है, अब ऐसे दुश्मन को मारना है, इसकी चर्चा नहीं करते। लड़ाई के अंदर क्या नीति अपनाई जाए इसकी चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि चर्चा करते हैं ज्ञान की, ज्ञान की चर्चा करते हैं। और ज्ञान की जब चर्चा करते हैं तो बहुत से गीता पढ़ने वालों को आश्चर्य होता है कि भगवान तो युद्ध भूमि में हैं, लड़ाई की चर्चा नहीं करते हैं, अब ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर, अर्जुन के जीवन में क्या था? दुशासन, दुर्योधन, 100 कौरव, और हमारे जीवन के अंदर क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये दुर्गुण जो हैं ये भी हमारे शत्रु हैं, हम भी तो इनसे लड़ रहे हैं। तो क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें, काम पर कैसे विजय प्राप्त करें, मोह पर कैसे विजय प्राप्त करें, विषय वासना पर कैसे विजय प्राप्त करें, ये लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। और इसीलिए भगवान लड़ाई के लड़ने के लिए ज्ञान की चर्चा करते हैं, गीते की गीता उस गायन जिसका गायन हो रहा है निरंतर उसकी चर्चा करते हैं। तो जीवन के अंदर जो हम संग्राम कर रहे हैं, चाहे वो लड़ाई के अंदर हो चाहे जीवन के संग्राम के अंदर हो, तभी हमारा जीवन सफल होगा जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और भगवान कहते हैं कि सबको देने वाला अर्जुन मैं हूं। चार प्रकार के भक्त भगवान ने बताए गीता में, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी।
जिज्ञासु क्या होता है? जिसके अंदर इच्छा है। आप देखो, कोई दूर से चल के आ रहा है, बुशहर से चल के आ रहा है, टापरी से चल के आ रहा है, आपके कल्पा से चल के आ रहा है, शिमला से चल के आ रहा है, क्या होगा भाई सद्भावना सम्मेलन? जिज्ञासा है, जानता नहीं है, पर जिज्ञासा है, इच्छा है। आपके सांगली घाटी को नहीं देखा उसने, सांगला घाटी को, पर देखना चाहता है, देखने के लिए आता। आपने देखा होगा बड़े बड़े विदेशी यात्री आते हैं, टैक्सी में बैठ करके आते हैं, क्यों? देखा नहीं है, देखना चाहते हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है जो जानता नहीं है पर जानना चाहता है और जानने के लिए प्रयास करता है। ही वर्क्स फॉर इट, ही टॉयज फॉर इट, ही लेबर फॉर इट। उसके लिए श्रम करता है, मेहनत करता है और कोशिश करता है जानने की। वो पहला भक्त हुआ जिसको जिज्ञासु कहते हैं। अब आर्त माने हुआ, आपने देखा होगा गाड़ी में बहुत से लोग बैठे, शिमला से चले तो दो तीन घंटे बाद कहने लगे भाई बस तो इतनी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, हम नहीं जा सकते, उतर गए। कुछ लोग जो बैठे रहे कहने लगे आप तो भगवान ही बचाएगा, हे भगवान बचाओ, हे गुरु महाराज बचाओ। कभी गाड़ी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही। एक आदमी हमसे कहने लगा जी पिछली बार तो मैं रात को आया था, मैंने देखा ही नहीं, ये तो रास्ता बड़ा खतरनाक है। अरे मैंने कहा रास्ता बड़ा अच्छा हो गया, पहले तो रास्ता ही नहीं था यहां पर, आज से 15 साल पहले आए थे तो दो गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, आपको तो पता होगा। अब तो फिर भी रास्ता चौड़ा हो गया है। तो वो गाड़ी में पैर दबाते दबाते, शायद सोच रहे हो कि हमारे पैरों के आगे ब्रेक लगा हुआ है, दबाते दबाते दिल धक धक कर रहा, हे भगवान हे भगवान। तो दुख में सुख में सुमरण ना करे, दुख में करे सब कोए, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख साए कोए। तो जब कष्ट पड़ता है, दिक्कत पड़ती है, बस में बैठ गए, अब कहां ले जाएगी बस? नीचे वो आपके सतलज दिखाई देती है, ऊपर से पत्थर आ रखे हैं, पहाड़। तो एक तो गाड़ी लगा दिए, पहाड़ ऐसे लगे हुए हैं, नीचे पत्थर है, पता नहीं कहां जाएगी गाड़ी। तो डर लगता है आदमी को, डर लगता है। तो हे भगवान, हे गुरु महाराज, अपने देवता को पुकारता है, भगवान को पुकारता है, तो संकट में आकर के पुकारता है। और अगर शिमला पहुंच गया, चंडीगढ़ पहुंच गया, तो उसको फिर भगवान की चिंता नहीं है। तो कहने का मकसद यह है, आर्त माने जो भय से, डर से मर गए, फंस गए, बचाओ भगवान, हे भगवान। यह दूसरा कोटि का भक्त हो गया। तीसरा कोटि है अर्थाती। जैसे किसी ने कहा कि मेरा ऐसा काम हो जाएगा तो आपका मंदिर बनवा दूंगा, भगवान से सौदा करना, इतना पैसा मुझे दे दो मैं इतना दे दूंगा, मेरी 1.25 लाख की लाटरी लग जाएगी तो 1.25 रुपए का मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा। भगवान को फिर भी घाटे के सौदा में रखना है, हमारा मुनाफा हो बाकी दूसरे का घाटा हो। अर्थ के लिए, अर्थ माने धन के लिए, धन के लिए जो भक्ति की जाती है वो अर्थार्थी की कोटि में आती है। और जो विशुद्ध रूप से निष्काम भावना से, बिना किसी कामना के, निष्काम भावना से, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, जो परमार्थ से प्रेरित होकर भगवान की भक्ति करता है और भगवान को विशुद्ध रूप से जानता है, वो है ज्ञानी। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरा ही रूप है। यहां सांगला के लोग, इतने पहले जब हम यहां आए तो कोई सेब देखने गया, उसने कहा जी कितने का सेब बेचोगे? तो सांगला वाले ने कहा भाई कितने खाने हैं खा लो, हम पैसा नहीं लेते। लोगों ने कहा जी बड़े देवता लोग रहते हैं यहां, तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं, हमको फ्री सेब दिए लोगों ने। फिर लोगों ने हरी हरी टोपी पहनी, कहने लगे जी हमको टोपी भी दे दी। तो कहने का मतलब, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विकृति के, जो ऐसा व्यक्ति बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? साहब ये देवता के समान है।
तो ये कहा गया, भगवान कहते हैं जो विशुद्ध निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है वो ज्ञानी मेरा ही रूप है, मुझ में और ज्ञानी में अंतर नहीं है। जो ऐसा भाव धारण कर लेता है निष्काम भाव, तो भगवान कहते हैं सारे संसार को देने वाला मैं ही हूं। और जो तांत्रिक भक्ति करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें भूत प्रेतों ने दे दिया। जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो सोचते हैं देवताओं ने हमको दे दिया। पर भगवान कहते हैं गीता में सारों को देने वाला सबको देने वाला मैं ही हूं। जो ज्ञानी होता है वो इस बात को जानता है। तो ये बात समझने की बात है, ये सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। आपने देखा होगा बिजली बनती है तो जनरेटर से बनती है। अब कहीं पर बिजली हीटर बन करके गर्मी दे रही है, कहीं पर पंखा चला करके हवा दे रही है, कहीं पर वो बिजली एयर कंडीशन के रूप में काम करके बिल्कुल आपकी बर्फ बना रही है, फ्रिज के अंदर हाथ डालोगे बर्फ निकलेगा, कहीं पर वो लाइट बन करके रोशनी दे रही है। वो सारी कनेक्टेड है पावर हाउस से। पावर हाउस बंद हो जाए सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ कनेक्टेड पावर हाउस से है। तो भगवान कहते हैं ऐसा पावर हाउस मैं हूं, मैं ही सबको देता हूं। बल्ब जलता है रोशनी प्रकट होती है, हम समझते हैं रोशनी आ रही है। पंखा चलता है हवा वायु देव प्रकट हो रहे हैं, हीटर जलता है अग्नि देव प्रकट हो रहे हैं। तो ये बात हमारे समझने की है। और जीवन के अंदर अच्छा कर्म करेंगे, कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। अगर अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल प्राप्त होगा। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा, उसके माता पिता को पानी पिलाया। माता पिता ने कहा तुम हमारे श्रवण कुमार नहीं हो, बताओ हमारे बेटे को क्या हुआ। राजा दशरथ ने कहा मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने गलती से आपके बेटे को मार दिया। आपका बेटा घड़े में पानी भरने को गया था, घड़े में जब पानी भर रहा था आवाज आ रही थी, मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर पानी पी रहा है, मैंने शब्द बेदी बाण मारा और वो बाण आपके बेटे को लग गया, आपका बेटा मर गया, उसकी जगह मैं आपको पानी पिलाने आया हूं। श्रवण कुमार के मां बाप ने कहा कि राजा अब हम पानी नहीं पिएंगे, हमारा श्रवण कुमार नहीं है तो हम भी नहीं है, और हम अपने प्राणों का परित्याग कर रहे हैं, पर हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमने हमारे बेटे को मारा, तुम भी अपने बेटे का नाम लेते लेते उच्चारण करते करते तुम भी अपने शरीर का परित्याग करोगे, अपनी देह का परित्याग करोगे। तो कर्म प्रधान विश्व ऋषि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। भगवान ने छुप करके सुग्रीव को मार, बाली को मारा, सुग्रीव की विजय हो गई। बाली ने कहा प्रभु आपने छुप करके मुझे मारा। भगवान हंसने लगे, कोई बात नहीं बाली, तुम द्वापर युग में भीड़ बनकर के मुझे मारना, मैं लेकर रहूंगा तुम मुझे मारना। भगवान पैर फैलाए लेते हुए थे, पैर हिल रहे थे और भीड़ ने मारा कि शायद कोई जानवर है। भगवान के तलवे में पैर लगा, भगवान खड़े हुए, भीड़ ने कहा महाराज आर्य ये गलती हो गई मुझसे, क्षमा करो प्रभु मुझे। भगवान ने कहा क्षमा करने की बात नहीं है, मैंने तुझे पिछले जन्म में जब तू बाली था तब तुझे मारा, अब तू मुझे मार रहा है। इसके एक प्रसंग हमारे शास्त्रों में नहीं है, अनेकों प्रसंग हैं, एक प्रसंग नहीं अनेकों। भगवान ने जब नारद जी भ्रमित हो गए और सोचने लगे कि मैं तो भगवान का अनन्य भक्त हूं, भगवान ने अपनी माला फैलाई तो विश्व मोहिनी रूप बनाया। नारद जी पहुंचे राजा के यहां, राजा ने कहा महाराज आप हमारे राज्य में पधारे हैं, बड़ी आपने अनुकंपा की, बड़ी कृपा की, मेरी बेटी है इसका विवाह होना है।
जब राजा की कुमारी को देखा, राजा की बेटी को देखा, तो नारद जी के अंदर ये उत्सुकता जागी कि अगर मैं भगवान का रूप प्राप्त कर लूं, भगवान विष्णु का रूप प्राप्त कर लूं, तो निसंदेह ये जो राजकुमारी है मेरा वरण करेगी। नारद जी पहुंचे भगवान के पास कि प्रभु मुझे अपना रूप दे दो उधार में। भगवान ने कहा ले जाओ। अब भगवान ने अपना रूप तो दिया नहीं, बंदर का रूप दे दिया। अब बंदर का रूप लेकर के स्वयंवर में पहुंचे तो वो राजकुमारी आती थी माला लेकर के और नारद जी अपना गर्दन आगे बढ़ाते। मुझे सोचा ये बंदर आगे क्यों आ रहा है, वो उतना पीछे हट जाती थी। उसने नारद जी का वरण नहीं किया। लोग हंसने लगे। नारद जी ने सोचा मुझ पर हंस क्यों रहे हैं, क्या बात क्या। किसी ने कहा जरा झांक के तो देखो तुम्हारा क्या चेहरा है। नारद जी ने झांका तो देखा बंदर का चेहरा। भगवान ने अपना स्वरूप नहीं दिया, भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। तो नारद जी को भी गुस्सा आ गया, कहा अच्छा आपने मुझे बंदर का चेहरा दिया है, जाओ ये बंदर ही तुम्हारी नैया को पार लगाएंगे। इन्हीं बंदरों के आधार पर आप विजय प्राप्त करोगे। आज जो आपने तिरस्कृत करने को मुझे बंदर का रूप दिया। नारद का वो भंग हुआ। जब अपनी वास्तविक स्थिति में आ गए तो भगवान के आगे क्षमा करने लगे, क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु मैंने तो गलती में आपको श्राप दे दिया। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, आप तो त्रेता युग में हम लीला रचेंगे तो बानरों की ही मदद लेकर के हम जो है रामेश्वर का पुल बनाएंगे। तो उधर दशरथ महाराज ने जो किया, उधर बाली के साथ जो हुआ, इधर नारद ने श्राप दिया है कि आपको एक उदाहरण नहीं आपको अनंत उदाहरण मिलेंगे कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करें तो तब तस फल चाखा। हम भी अच्छा कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, और सबसे शुभ कर्म जो है, जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला कर्म है, वो ज्ञान को प्राप्त करना और भगवान का स्मरण करना। अब सुमरण करने के बाद सेवा, आपने देखा होगा आप सेब का पेड़ लगाते हैं तो भाई गुड़ाई भी करते होगे, उसमें खाद भी डालते होगे, पानी भी लगाते होगे। ऐसे ही जब हम ज्ञान का वृक्ष लगाते हैं, रोपित करते हैं, तो उसके अंदर गुड़ाई भी चाहिए ताकि हमारे विषय वासना रूपी जो झाड़ झंकर है या हमारे ज्ञान रूपी जो बीज है उसको अतिक्रमण न करें, उस पर ढक न ले, उसमें सेवा भी होनी चाहिए। जो गुरु की आज्ञा में रहता है उसका बेड़ा पार होता है। तो इसलिए यही आपको पता है, गुरु नानक देव जी जो थे उनके भी पुत्र थे। एक दिन परीक्षा उन्होंने लेनी चाही, एक चांदी का जो कटोरा था उन्होंने कीचड़ में डाल दिया। कहा भाई जरा ये कटोरा तो लाओ। उनके पुत्र कहने लगे पिताजी कटोरे की क्या जरूरत, कटोरे तो बहुत पड़े हैं और हम खरीद के ले आएंगे, क्या है इसकी आवश्यकता, छोड़िए कीचड़ में पड़ गए। गुरु नानक देव जी ने अंगद देव जी से कहा, लैणा से कहा कि जरा लैणा जाओ ये कटोरा लाओ। लैणा ने गुरु की आज्ञा को मान करके ये नहीं कहा कि हे गुरु महाराज हमारे पास और कटोरे हैं, एकदम कीचड़ में कूद गए और कूद करके कटोरा निकाल करके गुरु महाराज के आगे धोकर के पेश कर। तो गुरु महाराज ने कहा तेरा नाम क्या है, कहा महाराज मेरा नाम लैणा है। गुरु महाराज ने कहा हमारा नाम दैणा है, हम तुझे ज्ञान देंगे, और ज्ञान देकर के लैणा को अपने अंग संग बना दिया और उनका नाम रख दिया अंगद देव। तभी कहा गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट परिणाम, कीट ना जाने भंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज को प्रणाम करने को कहा। दुनिया की और संस्कृति के अंदर प्रणाम करने की परंपरा नहीं है, कोई हाथ मिलाता है। अगर आप नॉर्थ पोल जाओगे, उत्तरी ध्रुव जाओगे
तो वहां इतनी बर्फ पड़ी रहती है कि आदमी अपने जेब से हाथ नहीं निकाल सकता। तो नमस्ते कैसे करें तो एक दूसरे की नाक को रगड़ते हैं। तो कहने का मतलब हमारे देश की यह परिपाटी है कि हम अपने देश के अंदर गुरु को प्रणाम करते हैं, दांडव प्रणाम करते हैं। क्यों? तो कहा है झुकते वो हैं जिनमें जान होती है और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। आप बाल्टी को पानी से भरना चाहते हैं तो बाल्टी को नलके के ऊपर नहीं रखते हो, नलके के नीचे रखते हो। ऐसे ही जब हम गुरु महाराज से ज्ञान लेते हैं तो हम प्रणाम करके अपने आप को गुरु महाराज से नीचे रखते हैं। और साइंस भी ये कहती है कि लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाना चाहते हो तो उसको हॉरिजॉन्टली लिटा दो, टेबल पर लिटा दो, और उसके आगे जब चुंबक आएगी और चुंबक को फिराओगे तो धीरे धीरे चुंबक की शक्ति लोहे में चली जाएगी। आपने देखा होगा ऑफिसों में ऑल पिन रखी होती है तो वो बिखर ना जाए तो चुंबक डाल देते हैं उसमें, और चुंबक डालने के बाद सारी पिनें आपस में जुड़ जाती हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे ही गुरु महाराज ज्ञान दे करके और एक लोहे के टुकड़े को चुंबक बना देते हैं, उसको भी ज्ञानी बना देते हैं। तो कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट और अंतर हाथ सहारा दे भार बजावे चोट। अंतर तो सहारा देता है और भार चोट। आपने देखा होगा सुनार क्या करता है, सोने को भट्टी में गर्म करता है तो सोना कहता है कि मेरे को तुम गर्म कर रहे हो, लाल कर रहे हो, क्या हो रहा है? जितना सोना लाल होगा उतना प्योर होगा, उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं उसके अंदर जो मिलावट है वो जल जाती है, वो प्योर हो जाता है। ऐसे ही जो गुरु महाराज है अंदर सहारा दे करके और भार से रूपांतरण करके कष्ट में भी अपने शिष्य को निखार देते हैं। आपने देखा होगा हीरा जो है जब तक काटा ना जाए तब तक चमकता नहीं है, जितना ज्यादा काटा जाएगा जितनी कटिंग होगी उतना ही वो ग्लो करेगा, उतना ही चमकेगा, उतना ही दैदीप्यमान हो जाएगा। इसलिए ये हमें मौका मिला है कि हम गुरु महाराज के सत्संग को सुनकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके सद्भावना के मार्ग पर चल करके और अपने जीवन का कल्याण करें। ये आज का और दो दिन का ऐसा सम्मेलन भारत के अनेक शहरों में हमारे संपन्न होते हैं और हमारा यही संदेश है कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि अपने क्षेत्र में सद्भावना फैलाए। हम चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे परिवार में शांति हो। हमारे शास्त्रों में आता है जल में शांति हो, वायु में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, आकाश में शांति हो हम कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवार में शांति हो, हमारे समाज में शांति हो, हमारे इलाके में शांति हो और हमारे राष्ट्र में शांति हो। तो उसके लिए सबसे पहले मन में शांति होनी चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तभी कहा गया कबीरदास ने कहा मन दिया कह सब दिया, मन के लार शरीर अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। ये मन जो संसार के अंदर भटक रहा है घूम रहा है ये मन ईश्वर की भक्ति में लग गया, ध्येय में लग गया तो ध्यान हो गया, गे में लग गया तो ज्ञान हो गया, कारण में लग गया तो कर्म हो गया। तो आज इस मन को संसार से हटा करके और हमें भगवान की भक्ति में लगाना है, गुरु सेवा में लगाना है ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम। Bye.
अग्नि में
कोई कोई जाने